फ्रेंड्स, अब हम लोग क्रॉन्स डिजीज में उसके कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन में हम लोग देख लेते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले देखा है कि फ्रेंड्स क्रॉन्स डिजीज में सबसे जो मेन पार्ट अफेक्टेड होता है टर्मिनल टर्मिनल इलियम जो है टर्मिनल इलियम मैक्सिमम पेशेंट में सबसे मेन पार्ट अफेक्ट होता है क्रॉन्स डिजीज में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स जो इंफ्लामेशन रहता है, इंफ्लामेशन कैसा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, डीप इंफ्लामेशन रहता है। ठीक है, जो म्यूकोजल सब म्यूकोजल या फिर ट्रांसम्यूरल इंफ्लामेशन तब म्यूकोजल तक ये इंफ्लामेशन रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग डायग्रामेटिक देख लेते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल कैसे होता है वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझाइए फ्रेंड्स, मैंने डायग्राम निकाले इलियम की। ठीक है, ये सब जो टर्मिनल इलियम है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ये क्रॉस डिजीज में इंफ्लामेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इंफ्लामेशन जनरली है ट्रांसम्यूरल टाइप ऑफ ट्रांसम्यूरल म्यूकोसा तक ये इंफ्लामेशन रहता है फ्रेंड्स, मतलब डीप इंफ्लामेशन रहता है वहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंफ्लामेशन कैसे रहता है फ्रेंड्स, धीरे 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 इंफ्लामेशन कैसे बढ़ते जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, धीरे 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 इंफ्लामेशन बढ़ते जाते क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, एक ऐसी लाइन आ जाती है कि फ्रेंड्स वहाँ पे इंफ्लामेशन इतना होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डीप इंफ्लामेशन रहता है वहाँ पे। ठीक है, इंफ्लामेशन धीरे धीरे बढ़ते जाता है और ये फ्रेंड्स क्या होता है, जो ये पार्ट है फ्रेंड्स का कंप्लीट फाइब्रोसिस है। ठीक है, ये पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट फाइब्रोसिस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट फाइब्रोसिस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, और ये फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, लुमेन की जो लुमेन रहती है ना टर्मिनल इलियम की जो लुमेन है, धीरे 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 टर्मिनल इलियम की लुमेन धीरे धीरे कम होती रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे फाइब्रोसिस वगैरह बढ़ते जाता है और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, लुमेन कम होती है। ठीक है, लुमेन ये कंप्लीट लुमेन कम हो जाती है ऐसे टर्मिनल इलियम में। और फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट आ जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसी लाइन आ जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, एक से एक लाइन आ जाती है, मतलब ये लुमेन बहुत ही ज़्यादा कम होती है वहाँ पे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लुमेन यहाँ पे कम होती है और ये फ्रेंड्स वहाँ पे लुमेन एकदम कम होने की वजह से यहाँ पे एक समझो लाइन आ रही है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, एक लाइन आती है वहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर। जब हम लोग रेडियोग्राफी वगैरह एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब जब हम लोग बेरियम मिनिमा बेरियम स्टील वगैरह बेरियम स्टडी करते हैं, तो बेरियम स्टडी में हमें क्या क्या दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, एक लाइन दिखाई देती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जो बेरियम ये लाइन दिखाई देती है बेरियम स्टडी में वगैरह, रेडियोग्राफी हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तभी फ्रेंड्स बेरियम स्टडी में वगैरह ये लाइन दिखाई देती है फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स जो इलियम, जैसे मैंने बताया कि टर्मिनल इलियम में जो लुमेन है ना, टर्मिनल इलियम में जो लुमेन है धीरे 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 लुमेन धीरे धीरे कम होती जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। और ये पार्ट जो बाजू का पार्ट है ना, ये कम्प्लीट फाइब्रोसिस हो जाता है वहाँ पे और वहाँ पे एक लाइन दिखाई देती है फ्रेंड्स वहाँ पे, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर। ये बेरियम स्टडी में ये दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे लुमेन कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे स्ट्रिक्चर या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लुमेन कम हो जाती है की वजह से वहाँ पे ग्रैनुलर चेंजेस वगैरह होते हैं या फिर वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि फ्रेंड्स ये कोबलस्टोन अपीयरेंस वगैरह हो जाते हैं, इसकी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे धीरे धीरे लुमेन कम होने की वजह से यहाँ पे फ्रेंड्स ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्ट्रिक्चर वगैरह वहाँ पे दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये स्ट्रिक्चर वगैरह ये क्रॉन डिजीज के फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशन रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स कई बार पेशेंट में कैसे फिशर वगैरह समझो, कई बार फिशर डीप फिशर रहता है, समझो फिशर वगैरह डीप रहता है और वहाँ पे फ्रेंड्स समझो एक्टिव ब्लीडिंग वगैरह कई बार दिखाई देता है, तो बहुत ही रेयर चांसेस रहते हैं कि कई बार पेशेंट में ब्लीडिंग वगैरह भी कई बार देखा गया है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट में ब्लीडिंग वगैरह नहीं दिखाई देते वहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स जैसे कि हमने बोला कि फ्रेंड्स वहाँ पे ग्रैनुलर फॉर्मेशन वगैरह होते हैं, ग्रैनुलर मास वगैरह होता है वहाँ पे फ्रेंड्स, वहाँ पे डीप फिशर वगैरह होने की वजह से वहाँ पे फ्रेंड्स कई बार फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है या फिर कई बार किसी परफोरेशन हो जाता है, इसलिए कई बार पेशेंट को पेराइटिस के भी चांसेस वगैरह हो जाते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि फ्रेंड्स ये कार्सिनोमा ऑफ स्मॉल बॉल और लार्ज बॉल वगैरह इसे रेयर पेशेंट में होता है, बहुत ही कम पेशेंट में जैसा देखा गया है एज कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में मैक्सिमम चांसेस है क्या टेन ईयर से बाद वगैरह मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट सीए कोलन वगैरह वहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एज कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉन्स डिजीज में ऐसे जैसा रेयर चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, बाद में जो पेरिनल एब्सेसेस वगैरह लेस देन 10% केसेस में पेरिनल एब्सेसेस वगैरह पेरिनल डिजीजेस वगैरह ये देखा गया है ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह है फ्रेंड्स क्रॉन्स डिजीज में। ठीक है, ये हमें इसलिए जरा डायग्रामेटिक हमें जरा सा समझने की कोशिश करनी है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, हम लोग जरा सा क्रॉन्स डिजीज में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं जरा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट में फ्रेंड्स सबसे पहले आता है प्लेन एक्सरे एब्डोमेन या इनवेसिव एब्डोमेन वगैरह। फ्रेंड्स हम लोग हमारे यहाँ समझो हम लोग हमारे यहाँ जरा सा टर्शियरी केयर सेंटर में वगैरह पेशेंट सबसे पहले जाने के बाद हम लोग समझो स्टार्टिंग पॉइंट समझो